और ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट्स कलरलेस होते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन इन डिटेल क्लोरोप्लास्ट मींस क्लोरोफिल एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट की वो टाइप है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थे

स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सो वी कैन स्पोर्ट दिस स्टैक ऑफ़ एज द्वाइन दीज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा दैट इज द एक्व लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में राइबोसोम्स प्रोटीन्स एंड डीएनए हाइट्रोकॉन्डिया की तरह हम क्लोरोप्लास्ट को भी सेल्फ रेप्लीकेटिंग ऑर्गेनाली बोलते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट को भी रेप्लीकेट करने के लिए न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड नहीं कर, करना पड़ता बल्कि ये अपना ही डीएनए यूज करके सेल्फ रेप्लीकेट कर सकता है और राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से ये अपनी प्रोटीन्स भी खुद से कर सकता है दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मैमब्रेन स्पेस ट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है एंड फोटोसिंथसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमे प्लांट सनलाइट को यूज करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सो प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज परफॉर्म करने के लिए क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स की वो टाइप है विच आर कंटेनिंग कलर्ड पिगमेंट इन साइड क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट्स एसोसिएटेड ब्राइट कलर्स एंड आर प्रेजेंट सेल्स ऑफ पेटल्स एंड फ्रूट्स क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स की पेटल्स में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं दैट्स वाई ये फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ब्राइट कलर्स देते हैं नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स वी सेट क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ब्राइट कलर्स देते हैं दैट्स वाई इन ब्राइट कलर्स से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स इनके करीब आते हैं एंड दैट्स वाई ये इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पोलेंस के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और फ्रूट्स के सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं सो क्रोमोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द थर्ड टाइप आर द ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोर मीनस कलरलेस एंड प्लास्ट मीन की वो टाइप है जिनमें कलरलेस पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैंट होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक रूट्स में एंड अंडरग्राउंड ट्यूबर्स में प्रेजेंट होते हैं फंक्शन इनका फूड को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। होप सो योर कंसेप्ट आर क्लियर अबाउट द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू